अगर ठीक ठाक से ढाबे पर चले जाएं तो 15 रुपए की चाय भी नहीं मिलती है, और आज के दौर में किसी की पगार ही 15 रुपए हो तो आप सोचिए वो घर कैसे चलाता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के दौर में इतने कम पैसे किसे मिलते होंगे, तो हम आपको बताते हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि जिस ताजमहल के दीदार करने के लिए दुनिया भर से आदमी आता हो, सरकार भी हर माह करोड़ों रुपए कमाती हो, लेकिन उसके पास अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं। उन्हें हर माह 15 रुपए दिए जाते हैं, वो भी 2018 से मिले नहीं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इस शाही इमारत के इमाम की हालत क्या होगी। सुनिए 15 रुपए की कहानी ताजमहल के इमाम की जुबानी। चाबी जी नाम बताएं अपना। ये सादिक अली, इमाम ताजमहल मस्जिद। कब सादिक अली? आप कब से नमाज पढ़ा रहे हैं यहाँ? मैं तकरीबन यहाँ पर करीब 26 साल हो जाएगा नमाज पढ़ने। कितनी कौन सी पीढ़ी है यहाँ पर? 8वीं पीढ़ी चल रही है मुझे, 8वीं पीढ़ी। क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको यहाँ? दिक्कत तो खैर कुछ नहीं है, खाली हमारी तनख्वाह वगैरह बंद कर दी है, तनख्वाह नहीं मिल रही इधर। करीब 18 महीने हो जाएंगे हमें तनख्वाह नहीं मिली इधर। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 15 रुपये महीना मिलती तनख्वाह मिलती है। तो 15 तो किसी को नहीं मिलती? ये हमारे अब्बा ने लिया, करीब 40 साल अब्बा ने लिया हमारे, उसके बाद अब 15 रुपये मिलना है। तो मुग़ल दौर में कितने मिलते थे, क्या मिलता था मुग़ल दौर में? सिक्के थे जगह आपके जान सोने के सिक्के थे पहले, अशरफ कहती है अशरफ ही है, उन्होंने बंद कर दी, उसके बाद सिक्के को छानी किया, वो गाँव ख़त्म कर दी उन्होंने। अब 15 रुपये महीना मिलता है खाली, वो 15 रुपये भी इनसे निकलता नहीं, वो भी रोक देते पैसे। तो कभी आपने इनसे शिकायत करी? हाँ, लिखा पढ़ी लिखा दिया कि वह कहा था हमने, सी से भी कहा था हमने, उनसे भी कहा था कि हाँ आपका आपका रैंक का। तो क्या कह देते हैं, मतलब 15 रुपए के लिए भी आपसे परेशान किया जा रहा है? 15 परसेंट दिया जाता है, डॉक्यूमेंट आपके लिख के दो, वो लिख के दो, ये करके दो, सब लिख के दे दिया हमने, फिर तक नहीं मिली हमारे। आई कार्ड बकाया बैंक का नंबर दो, ये नंबर वो भी हमने लिख के दे दिया उन्होंने। अच्छा, बैंक में तनख्वाह भेजेंगे? हाँ, तनख्वाह भेजेंगे। तो बैंक में भी नहीं जा रही 15 रुपए? 15 रुपए में कब तक काम करोगे, कैसे करोगे? 15 रुपए में कर ही रहा है, जो कर ही रहा है। 26 साल तो वाली साहब ने करी करा, और हमारे दादा ने करा 40 साल, तो हमारे दादा ने करी इमामत, और ये हम भी करेंगे इंशाल्लाह। और गुजारिश ये है कि खर्चे ये है, तनख्वाह में खर्चे बहुत हैं, तनख्वाह बढ़ाएं आप। 15 रुपए में क्या हो रहा है, कुछ ना हो रहा है। जी मुनव्वर भाई, बताएं थोड़ा ताजमहल के बारे में, और ताजमहल में नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम साहब के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ताज में नमाज पिछले काफ़ी वर्षों से होती है, और मैं समझता हूँ कि 1631 से लगातार नमाज होती रही है, लेकिन 1631 में कभी ऐसा वक्त नहीं आया कि ताजमहल की मस्जिद बंद हुई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे और भी अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।